20 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन और गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री से वार्ता के बाद खत्म हो गई। ट्रक ऑपरेटर और गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि परिवहन मंत्री से हमारी वार्ता हुई है और डीजल को छोड़कर लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। मांगे पूरी होने की वजह से हम अपना हड़ताल वापस लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन एसपी पांडे और अध्यक्ष गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आरके तिवारी ने कहा, सबसे पहले तो हम अपने चैनल रश्मि विजन को विशेष साधुवाद धन्यवाद और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से इस चैनल ने हमारा गोरखपुर चैनल ने साथ दिया उसके हम लोग चाहे हमारी संस्था पूरी आभारी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट भी आभारी है। और बड़े अच्छे वातावरण में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी गडकरी महोदय से बात हुई जो सड़क परिवहन कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी मांगे हमारी मान ली। आज भी पीयूष गोयल के अध्यक्षता में जो बीमा की प्रीमियम है थर्ड पार्टी उसको कम करने के लिए मीटिंग चल रही है, और जो हमारी मुख्य मांग थी जीएसटी का पार्ट बी उस पर उन्होंने सरलीकरण कर दिया और उसमें हम लोग प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, पिनाल्टी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी दूसरी मांग थी इनकम टैक्स स्लैब का भी, उसको भी उन्होंने कम करने का आश्वासन पीयूष गोयल साहब ने दिया। मैक्सिमम मांगने डीजल को छोड़ करके टोल पर भी एक कमेटी बैठा दिए हैं जिसमें एक मुश्त हमसे पैसा लिया जाएगा जिसे गाड़ियां बाद में टोल पर नहीं रुकेंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जितनी मांगे थी करीब करीब सभी मांगे सरकार हमारी मान ली है। इसके लिए हम माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं एवं पूरा मीडिया को जो हम लोगों का साथ दिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोगों की हड़ताल कल रात 9 बजे वापस हो गई। आज से हम लोग अपने जो है कारोबार में लग गए हैं और गोरखपुर न्यूज़ का तो मैं विशेष आभारी हूँ क्योंकि गोरखपुर न्यूज़ ने हमारे न्यूज़ को पूरी तरह प्रसारित किया और हमारे साथ पूरा सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज से हम लोग अपने कारोबार में लग गए हैं। धन्यवाद।